उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद टुंडला विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी के एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव ने अपने सपा कार्यकर्ताओं के साथ जनसंपर्क करते हुए गांव दौलतपुर में संजू यादव, सर्वेश यादव, राजकुमार भूरी सिंह, हंसमुख ने एमएलसी डॉक्टर दिलीप यादव और दिनेश यादव, चंचल जी, जगमोहन यादव सभी कार्यकर्ताओं का माला पहनाकर और स्वाफा बांधकर सम्मान किया। वहीं पचवान, शाहपुर, नगला, बंजारा, जखई करीब आधा दर्जन गांव में जाकर जनसंपर्क किया। सपा प्रत्याशी महाराज सिंह धनकर के लिए वोट मांगे गए, साथ ही साथ साइकिल का बटन दबाकर प्रत्याशी को भारी बहुमत से जिताने की अपील की गई। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि सपा सरकार में अखिलेश यादव ने जेड़ा झाल परियोजना जिला अस्पताल में 100 सैया, नकलऊ एक्सप्रेस वे, कई गाँव में पानी की समरसेबिल, 108 नंबर एम्बुलेंस डायल 100, ये सब हमारे पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने विकास कराए हैं और आगे चलकर उनकी पार्टी इसी तरह से तमाम विकास कार्य कराएगी। डॉक्टर साहब, किस तरह के जनसंपर्क आज आपने किया है? 3 तारीख को यहाँ वोटिंग हो रही है, उपचुनाव है टुंडला विधानसभा में। हम लोग टुंडला विधानसभा के ग्राम दौलतपुर में खड़े हैं। इस गांव के प्रधान और पूर्व विधायक रमेश चंचल, आरा सिंह दिवाकर, राजकुमार राठौर हमारे साथ सब लोग चल रहे हैं, डॉक्टर महेंद्र सिंह है, तो ये सब लोग हम चल रहे हैं। इसी लोग हम लोग उपलब्धियाँ बता रहे हैं समाजवादी पार्टी की, जो समाजवादी पार्टी ने सरकार में रहकर विकास के काम किए थे। इस गांव में भी विकास हुआ, हमने पानी की व्यवस्था के लिए अपने निधि से यहां टंकी भी लगाई, यहां इस गांव को जनसमस्या में लिया जिससे यहां सड़कें बनी। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं विकास के काम की, ये समाजवादी। आज आपका सम्मान समारोह किसी जगह हुआ? ये दौलतपुर में हम कई जगह सम्मान भी किया है, हम इनको सबको धन्यवाद देते हैं और आगे भी हमें कई गांव में जाना है और 3 तारीख के लिए सब लोग तैयार हैं और सभी समाज का समर्थन मिल रहा है। हमें उम्मीद है हमारे प्रत्याशी महाराज सिंह धनकर अच्छे वोट से जीतेंगे और जीतकर अपने विधानसभा में क्षेत्र में पूरी तरह से विकास। डॉक्टर, किन किन मुद्दों पे आज आप वोट मांग रहे हैं? सबसे बड़ी विकास का मुद्दा है, समाजवादी पार्टी में माननीय अखिलेश जी ने बड़े विकास कराए और विकास बोलता है और विकास दिखाई देता है और विकास की चर्चा हो रही है। इस सरकार ने कोई विकास का काम नहीं।